आप देख सकते हैं ये सामान है, मैं आपको बता दूं, देखो ये दो लॉक हैं, ठीक है, इसमें ये प्लेट है एक, इसमें मतलब ये जो रुकता है, ये रोटर रुकता है पूरा, उसमें नीचे की साइड में लगता है ये, ठीक है, ऊपर ये लगती है, ये हाउसिंग है इसकी, ठीक है, ये प्लेट है, उसके बाद में ये इसमें रोटर में पड़ता है ये, ठीक है, उसके बाद में ये देखो दो एलंकी के बोल्ट हैं, तीन एलंकी के बोल्ट हैं, देख सकते हैं आप, ये पत्ती है केबल पर लगेगी ऊपर, और चार इसके बोल्ट हैं, ये पंखा जो खिंचता है ऊपर, उसके बाद में दो ये पत्ती के पेच हैं, देख सकते हैं आप, और ये तीन है, तीन नट हैं इसके, ये इसके हैं इस प्लेट के, ठीक है, उसके बाद हम इसे फिट करते हैं, ठीक है, हमें ये डालना है, ठीक है, इस तरीके से, इसे नीचे बिठा देना है, देख सकते हैं आप, ये नीचे बैठ चुका है, ठीक है, उसके बाद में ये प्लेट डालनी है, उसके बाद में आया मेन चीज लॉक, ये लॉक लगा देना है इसको, ठीक है, अच्छे से बिठा देना है, लॉक लॉक बैठ, देख सकते हैं आप कैसे बैठता है ये, थोड़ा दबा के बिठाना है इसको, हल्का चोट लगा देना है, उसके बाद में ये लॉक बैठ चुका है, ये लॉक बैठ चुका है, इधर देख सकते हैं आप, देख सकते हैं ये लॉक बैठ चुका है, ठीक है, उसके बाद में हम इसे डालते हैं, हाउसिंग हमारी, इसे डालते हैं, इसमें से ये केबल निकालना है, इसे ऊपर निकाल देते हैं, उसके बाद ये बिठा देना, ऐसे नहीं बिठाना है इसको, ये ग्रीस का डब्बा है, मैं इस पर ग्रीस लगा लेता हूँ, ठीक है, आप सिलिकॉन लगाना चाहें सिलिकॉन भी लगा सकते हैं, ये लग चुका है, उसके बाद में हम इसे बिठा देते हैं, फिट करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना, आपने ये डाल देना है, ये कहाँ डालना है, ये इसमें बोल्ट में डाल देना है, मतलब सुराख आउट ना हो, ठीक है, इसे हम पहले डाल देते हैं, देख सकते हैं, देखिए ऐसे इसमें डाल देना है, तो इससे सुराख जो हमारा आउट नहीं होगा, मतलब पेज खींचने में दिक्कत, वो जो एलंकी के नट हैं खींचने में हमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, उसके बाद में ये गट्टा लेना है, गट्टा लेने के बाद में गट्टे से ठोंक देना है हमें, ठीक है, पहले ये बड़ा एलंकी का बोल्ट डाल दिया हमने, उसकी मदद से जो लॉक जो ऊपर आ जाए, ठीक है, उसके बाद हम इसे खींच देते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, ये खुच गया, और हाँ ये कच्ची रबड़ की एक पट्टी काटनी है छोटी सी, ठीक है, और उसके बाद में इसको जो है उंगली पे लपेटना है, ठीक है, इधर ऐसे उंगली पे लपेटने के बाद में ये एलंकी का बोल्ट है, ठीक है, इस पे लगा देना है, जिस पे नहीं है, जिस पे हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये बार्सल बन गया है, ठीक है, ये देखो बार्सल बन गया, उसके बाद में इसे डाल देना है,
और हलंकी की मदद से मैं फिर इसको टाइट कर देना है, ठीक है। ऐसे इसको करना है, उंगली पे लपेटा, इसमें डाल देना है। टाइट करना है, फुल टाइट कर देना है उसको। अच्छी तरीके से स्टार्ट कर देना है। उसके बाद में टैप छुटाना है उसको, इसे डाल देना है। उसके बाद में लॉक डालना है ये भी, इधर भी, ठीक है। लॉक ऐसे ही बिठाना है जैसे वो उठाया था। ये देखो लग चुका है। लगने के बाद में हमें ये रोटर डालना है, उसके बाद में उसके हम देख सकते हैं ये रोटर डालना है, ठीक है। ये रोटर डाल देते हैं हम, उसके बाद में हमें इस पर भी ग्रीस लगा लेना है, ठीक है। अच्छी तरीके से ग्रीस लगाना है। इसको जो ठोक देना है अच्छे तरीके से, उसके बाद हमें इसको पलटना होगा। ये देखो ये लॉक नीचे आ गया, देख सकते हैं लॉक नीचे आ गया। ये पत्ती टेस्ट लीजिए, उसके बाद में ये 10 नंबर की चाबी है, इसको टाइट कर देते हैं अच्छी तरीके से। थोड़ा सा ठोक लेंगे और उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया उस टाइम ये बार्सल बनाना है इसका, बार्सल इस पर अलग, उसके बाद में ये बार्सल बनाना है, इस पर लपेटना है, ठीक है। ये बार्सल बन चुका है, देख सकते हैं आप। उसके बाद हम इसे डाल देते हैं, ये ख़राब हो चुका है। ये बार्सल बन गया है, देखो बनने बाद में हम इसे डाल देते हैं, इसी पे डाल देते हैं, ठीक है। ये बार्सल बन गया, इसके बाद में ये पेच खींच देना है। चाबी से इसको पेच खींचना है अच्छी तरीके से।
अगर ये कच्ची रबड़ का बारसा बना कर नहीं लगाओगे तो यहाँ से पानी निकलने लगेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में इसको ठोक देना, उसके बाद में इसको सीधा करना है। हाँ सही घूम रही है, ठीक है, थोड़ी सील टाइट है, इसकी सेकंड लग रही है, देखते हैं ये सही घूम रही है। उसके बाद में हम इसमें पानी डालते हैं, इसमें पानी डालते हैं हम। उसके बाद में ये पानी का मग्गा ले लेना है, ठीक है, और पानी इसमें डालना है। उसके बाद में ये बासन डालना है, इसको बिठा देना है, इसको बिठा देना है। उसके बाद में ये बासन लेना है, ये बासन डालना है, चला चुका। उसके बाद में ये पत्ती लेनी है, ये पत्ती डालनी है। अच्छी तरीके से उसके बाद हम इसे चेक करके देखते हैं। उसके बाद में हमें एक कंडक्शन ले लेना है, 36 mm का लिया है मैंने, आप 50 का भी ले सकते हैं। ये लगा देना हमें तार, तार लगा के एक लाइट का तार ले लेना है, ये नीले वाले पे लगा देना है। ये हमारा एम्पियर मीटर है, हमें एम्पियर चेक करने के लिए इस पे एम्पियर पर सेट करेंगे 200 पे। उसके बाद हमें एक इसमें तार में डाल देते हैं, इसको मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। उसके बाद में हमें ये प्लग लगा देना है, इसमें प्लग लगाने के बाद में हम इसे ये पिन इसे लगा के चेक करते हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप ये चल रही है, ये एम्पियर ले रही है 2.8 एम्पियर। आपको ये मोटर मैंने फिटिंग करके कनेक्शन के बारे में बता दिया है, ठीक है। और हाँ एक बात को ध्यान जरूर रखना है आपको, लाइक शेयर और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके।